चैप्टर नंबर 6 मल्टीप्लिकेशन एकाधिकेन पूर्वेण्णा पार्ट 2। इसमें डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डबल डिजिट से होगा और कुछ ट्रिक है तब ही ये टेक्निक काम आएगी। सभी क्वेश्चंस में ट्रिक ये काम नहीं आएगी, वो कंडीशन अप्लाइड यूं कह सकते हैं, यदि ऐसा है तभी ट्रिक को लगाएं, हर क्वेश्चन में नहीं लगाएं। ठीक है, पार्ट 1 में भी आपने सीखा है तो पार्ट 1 में आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो कंडीशन समझ लो कि डबल डिजिट होना चाहिए, ये भी डबल डिजिट है, ये भी डबल डिजिट है। सेकंड कंडीशन ये है कि लास्ट में जो डिजिट है, या सॉरी इसको वंस प्लेस वाला डिजिट भी कहते हैं, या 36 में वंस प्लेस क्या 6 है, 34 में वंस प्लेस क्या है 4 है, या इसको इकाई भी बोलते हैं हिंदी में। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 6 और 4 को तो 10 ही आना चाहिए। एक तो कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो टेंस प्लेस की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, यदि अलग अलग है तो प्लीज इस ट्रिक को काम में नहीं लें, या यहां 10 नहीं आ रहा है तो ट्रिक को काम में नहीं लें, और सेम नहीं है मान लो आगे टेंस प्लेस को हम लोग दहाई बोलते हैं हिंदी में, तो सेम नहीं है तो ट्रिक को काम में नहीं लें। यहां तक क्लियर हो गया? हो सकता है शायद पार्ट 1 में इस चीज को क्लियर कई लोग नहीं कर पाते हैं, अब तो क्लियर है, अब अपन चलते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, मतलब वंस प्लेस की दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे 6 से यहां 4 है तो ये कितना है आपका 24। अब आगे दोनों की सेम वैल्यू है, 3 है, ये भी 3 है, सेम डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, इस 3 को लो चाहे इस 3 को लो, इसको एक डिजिट बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो 3 के आगे कौन सा डिजिट आएगा, 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। यहां तक क्लियर है? ये इसका आंसर है 1 2 2 4। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 74 इसको मल्टीप्लाई करना है 76 से, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है क्योंकि जो टेंस वैल्यू है वो दोनों में आगे वाली जो वैल्यू वो 7 है और पीछे दोनों को ऐड करके देखते हैं तो 10 आ रहा है 4 और 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 और 6 को तो 24, और 7 दोनों में आगे है वह 7 को एक डिजिट बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, तो 7 के आगे आता है 8, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। बस ये इसका आंसर है, इसको आप हटा दो तो आंसर यही है 5 6 2 4। ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल मेंटली भी कर सकते हैं, ये तो खैर यहां पे फॉर्मेलिटी हो रही है, बाकी उसको देखते भी मल्टीप्लाई करें, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 24 लिख दिया और 7 8 जा 56। इसको आप देखो डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं 21 29, तो आगे दोनों में 2 है और पीछे 1 और 9 है, तो 1 और 9 10 होते, आगे 2 2 है तो 9 बन जा 09, कितना लिखना है यहाँ पे 9 बन जा 09, 9 को 1 से करेंगे तो ध्यान रखना है कि 9 नहीं लिखने का, 09 लिखना है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 23 जा 6। क्लियर एकदम? यहां से बस यहां ध्यान रखना है कि यहां पे 9 1 0 9 करने का, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसको मेंटली भी सीधा कर सकते हैं, लास्ट में 7 और 3 10 हो रहे हैं और आगे 8 है, कोई दिक्कत नहीं, 7 3 जा 21 सीधा ही लिख दीजिए आप, कुछ भी नहीं करना है इसमें, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है 72, ये आपका आंसर आ गया 52 58। क्योंकि इसमें बस खास बात यह है कि दोनों डबल डिजिट होंगे और जो टेंस प्लेस वाली वैल्यू है वो दोनों सेम होंगी और पीछे जो वंस प्लेस की वैल्यू उन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो 10 आना चाहिए, तब ही ये फॉर्मूला काम आएगा। तो है बहुत इजी, बस जो आ रहा हो भर दो इसकी दही, 8 2 जा 16, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आ गया 30,
बहुत इजी है, बाकी 11 की टेबल बच्चों को आती है, करा दें आप। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये ट्रेनिंग का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अबेकस वैदिक मैथमेटिक्स हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट इन कोर्सेज की ट्रेनिंग लेके अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, और इन कोर्सेज का स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, ट्रेनिंग अबेकस वैदिक मैथमेटिक्स और हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्सेज की एकदम फ्री है, स्टडी मटेरियल नॉमिनल चार्ज पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। थैंक यू।